ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस, कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। लेकिन अगर गोविंद कांडा बीच में बीजेपी से रंजीत सिंह आते हैं तो अर्जुन, यहाँ अगर हम बात करें राजनीतिक पृष्ठभूमि की तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की फाइट ज्यादा लग रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकसभा चुनाव में जो समीकरण बने थे, जो जाट जट सिख और चमार वोटरों का झुकाव कांग्रेस की तरफ मिला था, वो सबसे निर्णायक है। यहाँ की स्थिति, आज की स्थिति अगर देखी जाए तो इनेलो जो है वो फ्रंट फुट पर खेल रही है और जो मौजूदा विधायक यहाँ से रंजीत सिंह जी हैं वो बैक फुट पर हैं। सिरसा का रानिया विधानसभा क्षेत्र जो हरियाणा की एक हॉट सीट बन चुका है, इस समय यहाँ से विधायक हैं चौहरी रंजीत सिंह, जो प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, निर्दलीय यहाँ से जीते थे लेकिन उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और अब वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी की टिकट लेकर आएंगे और उनकी टिकट पर ही जीतेंगे। मेरे साथ हैं कुछ रानिया के लोग, रानिया के प्रबुद्ध पत्रकार, उनसे बात करते हैं कि इस बार ऊँट किस करवट बैठेगा। रानिया से इस बार पहली बात तो ये है कि रंजीत सिंह जी थे उनके एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी ज़्यादा है तो इस वजह से उनके खिलाफ है जो माहौल इतना उनके पक्ष में नहीं है। और दूसरी बात, इस बार इनेलो से अर्जुन चौटाला हैं जो वो ऐलान कर चुके हैं कि यहाँ से वो लड़ेंगे, तो जाट बेल्ट है उसमें उनकी अच्छी पकड़ है और जो पंजाबी बेल्ट है उसमें ये बटे हुए हैं चौहरी रंजीत सिंह। और तीसरा जो पक्ष है सबसे बड़ी बात कि बीजेपी से टिकट कौन लेके आता है। अगर यहाँ से गोविंद कांडा टिकट लेके आते हैं तो ये फाइट हो सकती है अर्जुन और गोविंद के बीच में आज की जो स्थिति है। लेकिन अगर गोविंद कांडा बीच में बीजेपी से रंजीत सिंह आते हैं तो अर्जुन थोड़ा आगे रहेंगे। और कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाती है ये भी अभी देखना होगा। कांग्रेस में कोई ऐसा प्रत्याशी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है कि जो अर्जुन को टक्कर दे सके। आम आदमी पार्टी के लिए भगवंत मान आज रैली करने आ रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन है? आम आदमी पार्टी का इतना ज़्यादा यहाँ जनाधार नहीं है। जब पंजाब में इलेक्शन हुए थे वहाँ जीत हुई तो एकदम से थोड़ा हवा बना लोगों में, थोड़ा आम आदमी पार्टी और जो पंजाबी बेल्ट है इसमें थोड़ा आम आदमी पार्टी का जो वजूद है वो देखा जा रहा है। इसमें 3 जिला पार्षद पीछे चुने गए थे वो आम आदमी पार्टी के थे, तो उसमें कहीं ना कहीं शुरुआत में दिखाई दे रही है आम आदमी, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो फाइट दे सके जहाँ वो जीत सके। और भगवंत मान के आने से 19-21 का फर्क तो जरूर देखा जा सकता है लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि उसको जीत की तरफ ले जाए। हीरा सिंह जी, आप बताइए, रानिया में नशाखोरी बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर क्या किसी ने कोई कदम उठाया? रानिया की नशाखोरी का जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है जो अभी तक किसी भी सरकार ने, कहने को तो सारी सरकारें ये कह देती हैं, हमारी बीजेपी सरकार भी कहती है कि हम नशा मुक्त करवाएंगे, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई भी किसी तरह से कदम नहीं उठाया गया है। अगर वहाँ पे नशाखोरी को माने तो जिस जगह के ऊपर रानिया के अंदर पॉइंट बने हुए नशाखोरी को देखते हुए, वहाँ पर जैसे ही कोई पुलिस पहुँचती है पुलिस पहले ही अपना हुटर बजा देती है उससे, ताकि जितने भी नशाखोरी वाले हैं वो सब भाग जाते हैं। इसलिए नशाखोरी रानिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसके ऊपर समाधान करना पुलिस का कोई भी किसी तरह से भी कोई कार्रवाई हमारी तरफ से पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आपका कहने का मतलब है कि पुलिस पहले ही इन्फॉर्म कर देती है? हमारी नज़र में तो पहले इन्फॉर्म कर देती है हुटर बजाकर, ताकि जो जितने भी लोग हैं वो सब लोग तितर बितर हो जाएं। दीपक जी, आपका क्या कहना है, रानिया का राजनीतिक ऊँट किस करवट बैठेगा? देखिए सर, ऐसा है, रानिया की जो जन समस्याएं हैं उनको किसी भी सरकार ने अभी तक सॉर्ट आउट नहीं किया है। माननीय रंजीत सिंह जी यहाँ से MLA भी हैं और बिजली मंत्री भी हैं प्रदेश के, लेकिन जो प्रमुख समस्या है, रानिया को सब डिवीज़न बनाना और कैनाल वाटर उपलब्ध कराना जो कि सबसे बड़ी समस्या है, और कुतावुड पुल का निर्माण करवाना, ये समस्या वैसे की वैसे जस की तस हैं। इसी वजह से ही रंजीत सिंह जी आज बैकफुट के अंदर हैं। अगर इन सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देती है, कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी इस मुद्दों पर ध्यान देती है तो भी आगे बढ़ सकती है, अदरवाइज यहाँ मुश्किल है जी हर किसी का जनदर बढ़ाना। बाकी क्या पोजीशन है, इनेलो की क्या पोजीशन है, बीजेपी की क्या पोजीशन है? देखिए, यहाँ अगर हम बात करें राजनीतिक पृष्ठभूमि की तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की फाइट ज़्यादा लग रही है। हमेशा से ऐसे होते आए हैं, जैसे क्षेत्रीय दल हैं वो कहीं ना कहीं किसी को सपोर्ट कर देते हैं, तो हम मुख्य जो लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस में ही मानते हैं जी। जगदीप जी, ना यहाँ कोई एग्रोबेस फैक्ट्री आई, कोई इंडस्ट्री आई, ना ऑटो वीवर की किसी ने सुध ली। बिल्कुल जी, यहाँ की सबसे बड़ी जो मेजर समस्या है, जैसे हीरा सिंह जी ने बताया कि नशा सबसे बड़ी समस्या है, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये कि यहाँ ये खेती आधारित इलाका है और धान बेल्ट का इलाका है, घग्गर रिवर यहाँ से गुजरती है और कुछ नहरें निकलती हैं। अगर घग्गर रिवर पर ओटू लेक की सही ढंग से खुदाई और कुछ और नहरें निकाली जाएं तो जो आगे के गांव हैं टेल के, उनकी भी तकदीर संवर सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि रानिया विधानसभा सीट का
जो हमने गणित समझना हो तो 2008 के अंदर यह परिसीमन के बाद जो है अस्तित्व में आई। 2009 और 14 में इनेलो के विधायक चुने गए, पहले कृष्ण कम्बोज फिर रामचंद्र कम्बोज, 2019 में रणजीत सिंह बने। इस बार का चुनाव जो है पिछले तीन चुनावों से दिलचस्प रहने वाला है। उसकी एक मुख्य वजह यह है कि पांचवें दल के रूप में आम आदमी पार्टी मैदान में आ रही है। आज जैसे रानिया में आम आदमी पार्टी की रैली भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकसभा चुनाव में जो समीकरण बने थे, जो जाट जट सिख और चमार वोटरों का झुकाव कांग्रेस की तरफ मिला था, वो सबसे निर्णायक है यहाँ पर। आप एक एडवोकेट भी हैं, आपकी बार ने पिछले दिनों धरना भी दिया इसको उपमंडल का दर्जा दिलाने का, जो रणजीत सिंह ने भी वादा किया होगा और भी राजनीतिक पार्टियों ने वादे किए, उसकी क्या स्थिति है? पहले तो 2 साल पहले जब धरना दिया था तो रणजीत सिंह जी जो मंत्री हैं अभी बिजली मंत्री जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसको 3 महीने के अंदर सॉर्ट आउट करवाएंगे। और रानिया की जो बहुत ही बड़ी डिमांड है, लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है, लोगों की परेशानी, तो उसमें अब फिर से धरना देना पड़ा क्योंकि उसमें आगे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। तो हम इसके मामले में धरने से पहले भी हम मंत्री जी से मिले, सीएम साहब से मिले, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। अब धरने पर जब हम गए तो हमें सीएम साहब की तरफ से मैसेज आया कि हम आपका जो है सब डिवीज़न बनाएंगे, आप धरना समाप्त करें। तो फिर उन्होंने मिलने के लिए हमें वहाँ बुलाया और चंडीगढ़ गए। वहाँ उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्द ही कमेटी में वो रखा गया, और उसमें पास होने के बाद आपकी जो सब डिवीज़न है वो जल्द ही बना दी जाएगी और रानिया में एक बड़ी रैली करके उसकी एक घोषणा कर दी जाएगी। और बड़ी उम्मीद है, सीएम साहब ने जो कहा कि जल्द जो सब डिवीज़न की मांग वो पूरी हो जाएगी। आपका क्या कहना है, रानिया कौन जीतेगा इस बार? अब की स्थिति, आज की स्थिति अगर देखी जाए तो इनेलो जो है वो फ्रंट फुट पर खेल रही है, और जो मौजूदा विधायक यहाँ से रणजीत सिंह जी हैं वो बैक फुट पर हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जाट बेल्ट है वो इनेलो के साथ है। अर्जुन चौटाला जी यहाँ से विधायक बनकर के विधानसभा में जाएंगे, और रणजीत सिंह जी ने जो पिछले 5 सालों में जो वादे किए थे उनमें से कोई वादा पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। रानिया को पेरिस बनाने की उन्होंने जो बात कही थी वो बाद में हिसार में चले गए, हिसार को भी पेरिस बना देंगे, रानिया को तो बना देते पहले। यहाँ पर अगर 2 मिनट बारिश हो जाती है तो घुटने घुटने पानी खड़ा हो जाता है रानिया में, वो दिखाई नहीं देता उनको, वो उनको देखना चाहिए आकर के पेरिस कहाँ से बना देंगे। जो रानिया पहले था वही बना देते, डिवाइडर आज कितना टाइम हो गया पटापटा है, उसको उखाड़ के छोड़ दिया, बना ही नहीं रहे। वहाँ पर रोज़ हादसे होते हैं, कोई किधर गिर जाता है, कोई किधर गिर जाता है। जब चुनाव के टाइम आता है तो ये सारे इकट्ठे होकर हमारे पास आ जाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करना कराना किसी ने कुछ नहीं है। 5 साल यहाँ से विधायक रहे, मंत्री आज़ाद चुनाव लड़ा था उन्होंने, और उस टाइम क्या हुआ था, चलो सरकार में चले गए भी, चलो हमने सोचा रानिया में काम होगा, लेकिन 5 सालों में कोई काम वो नहीं करवा पाए। बस उनके चुनावी वादे जो हैं वो उनके तक कागज़ों में सीमित रह गए, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। आप ग्राउंड रिपोर्ट खुद जाके देख सकते हैं, जब बारिश आती है घुटनों तक पानी भर जाता है, वो कहाँ है पेरिस में ऐसा थोड़ी है। बाद में हिसार चले गए, वहाँ से सांसद का चुनाव लड़ा उन्होंने, उनको भी वहाँ भी वादे करते थे हम पेरिस बना देंगे, लेकिन वो जनता समझदार निकली, वहाँ गई, उन्होंने टाइम से उनको इधर भेज दिया। अब की बार वो घर बैठ जाएंगे आराम से। भाजपा सरकार ने जो पिछले कई सालों में भी कुछ काम कराया नहीं, जो कि कांग्रेस में जो लोकसभा चुनाव हुए थे जिसमें 5 सीटें कांग्रेस आने के कारण कुछ भाजपा सरकार भी फैल चुकी है। कांग्रेस में आप क्या गिनते हो, किसको टिकट मिलने की संभावना है? कांग्रेस से देखो जी, मिलने की संभावना तो चेहरा देख के ही देगी हाईकमान पार्टी। कुछ दिन शैलजा जी यहाँ पर निजी होटल में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनसे हमने सवाल पूछा था कि कांग्रेस पार्टी का टिकट दिख सकती है, तो उन्होंने ये बताया था कि अपना चेहरा देख के, उनका काम देख के, उनका जिंदगी, उनको टिकट दी जाएगी। क्या चौधरी रणजीत सिंह को लोग वोट नहीं देंगे? ना, चौधरी रणजीत सिंह को अपनी वोट नहीं देंगे। उन्होंने जी जो पिछले 5 साल के जो MLA विधायक रहे उन्होंने अपना काम नहीं कराया। रानी शेरवाल को उनसे काफ़ी डिमांड थी 5 सालों में, जो कि उन्होंने रानी शेरवाल की मांग पूरी नहीं की, जैसे कि सीवर की समस्या होगी, पानी निकासी की समस्या होगी, सड़कों को लेकर हो गया है, स्टेडियम में सफाई को लेकर हो गया, नशे को लेकर हो गया जी, जिसके कारण रानी शेरवाल का भी गुस्सा जारी हो रहा है। अब ये चौटाला के बेटे अगर वो आते हैं मैदान में, अर्जुन चौटाला, अगर अभय चौटाला के बेटे अगर करुण चौटाला अगर मैदान पर आते हैं तो पार्टी इनेलो और कांग्रेस की टक्कर मानी जाएगी। तो ये थे रानिया के प्रबुद्ध पत्रकार, जिन्होंने अपनी अलग अलग राय दी कि रानिया का जो राजनीतिक ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।